नहीं श्रीमान जी, कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 और 13 में बरसाती पानी निकासी की पाइपलाइन बंद नहीं है। हालांकि पीपली गीता द्वार से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 तक सड़क और नाले के निर्माण के दौरान इन सेक्टरों के बरसाती पानी को ले जाने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बरसात के दिनों में इन सेक्टरों में पानी जमा हो गया था। खैर, सेक्टर 7 और 13 के बरसाती पानी की पाइपलाइनों को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आदरणीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेक्टर 7 और 13 में जो बहुत 1988 में ये पाइपलाइन डली थी, इसके अंदर पिपली रोड बनी, ड्रेन बनी है, लेकिन उसके अंदर इस एरिया में बहुत से अग्रसेन स्कूल, हॉस्पिटल, हमारे रेजिडेंस आते हैं। जब बारिश होता है कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा तीनों डिपार्टमेंट से, क्या PWD और म्यूनसिपल काउंसिल से, हुडा से, क्या इसका एस्टिमेट बना के इसको करवाया जाए। ये पाइप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और पानी रुक जाता है वहाँ पर। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि ये लाइन 1988-89 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पानी की निकासी के कारण बिछाई गई थी। इसका जो टर्मिनल पोर्शन है, जो मैंने बताया कि गेट नंबर 3 तक पीपली से कुरुक्षेत्रा विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 तक जो लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, ये क्षतिग्रस्त है। और इसको यहाँ पर जो पाइप बदल के और लगभग 3 फीट डायमीटर का पाइप यहाँ पर लगाने की योजना है, जिसका खर्च लगभग 2 करोड़ आएगा, वो नियर फ्यूचर में बनवा दिया जाएगा। धन्यवाद मंत्री जी, थैंक यू। श्री सुरेंद्र पवार जी। श्री अमरजीत ढांडा जी। बेटा पवार साहब, मेरा आ गया। प्रश्न संख्या 2 जी। स्पीकर सर, ए यस सर, बी द एक्विजिशन ऑफ लैंड इज अंडर प्रोसेस, द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पुलिस स्टेशन बिल्डिंग शैल बी स्टार्टेड देयर आफ्टर। महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहूंगा, पिछले मई जून में जी बारिश हुई थी, उसमें थाने के अंदर 2.5 फुट पानी भर चुका था, उसके फोटो भी मेरे पास है जी। और जो जमीन का मामला मंत्री जी कह रहे हैं, जो पहले जमीन दी थी जी, वो जुलान से दूर है जी, और जो मैंने 5-7 दिन पहले जी SP साहब से मैंने उसका मुआयना भी करवा दिया जमीन का जी, वो सादीपुर गाँव की जमीन है जी, 1.5 एकड़ जमीन है जी। मैं मंत्री जी से जमीन का समाधान मैं करवा दूँ। मंत्री जी, इसका बजट देने की आप जल्दी कोशिश करें, क्यों वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई समाधान नहीं है जी, कोई अधिकारी का कोई दफ्तर वहाँ बैठे, कोई पुलिस वाला भी वहाँ बैठ के आराम करे, क्यों 2.5 फुट पहले उसमें पानी चढ़ चुका था, सारा थाना बाहर निकल गया था जी। तो आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जमीन की तो मैं दिलवा दूंगा जी, सादीपुर गाँव में जी, उसका बजट दे के उसका काम चालू जल्दी करवाएं जी, ये मेरी प्रार्थना है जी। अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने वाजिब मुद्दा उठाया है, वो जहाँ पर इस वक्त थाना है उसमें वाकई बरसात में पानी भर जाता है। ये थाने की बिल्डिंग शुरू से ही हमारे पास किराए पर थी, पर कोर्ट से केस हारने के बाद फिर हमें इस बिल्डिंग में शिफ्ट करना पड़ा। तो आदरणीय सदस्य ने जो ज़मीन दिखाई है वो भी, उसको भी हम देख लेंगे, जो ऑलरेडी जिसका प्रोसेस चल रहा है उस पर सदस्य ने ऑब्जेक्शन उठाया है तो हम उसको मानते हैं। इन्होंने अल्टरनेटिव गांव की जगह बताई है, और साथ ही जहां पर मौजूदा थाना है, ये मैंने मंत्री महोदय से बात की है कि अगर ये जगह ही हमें दे दी जाए तो हम गिरा कर यहाँ पर नया थाना बना देंगे। फंड्स की कोई कमी नहीं है, हम अपने जो थाने हैं उनको सारों को करना चाहते हैं, जो गिरी हुई बिल्डिंग है उन सबको हम ठीक करना चाहते हैं। दे जी,
जो जमीन ने पहले दे रखी है वो जुलाना से बहुत दूरी पर है जी, अपोच रास्ता है जी। जो जमीन है मेन रोड के ऊपर जमीन है, जुलाना शहर के अंदर है जी जमीन, और जमीन जने देने के लिए पंचायत तैयार है। मैं एस पी साहब का मुआयना भी करवा लिया, जमीन दिखा भी दी जी, तो सारे पेपर में 4-5 दिन अंदर आ जाएंगे जी। उस जमीन को चेंज करके वो जमीन ली जावे अच्छी। कल ने मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम साहब ने जुलाना सब ने दर्जा भी दिया है, वहाँ बिल्डिंग बन जाएंगी, डीएसपी का दफ्तर बन जाएगा, एजेंसी बन जाएगा जी, वो जमीन ली जावे जी। जी हम उसको एग्जामिन करवा लेते हैं और पंचायती राज से खरीद कर हम वहाँ पर थाना बना के। धन्यवाद धन्यवाद जी। श्री सुरेंद्र पवार जी।